नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज ट्रेड यूनियन की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। कुछ तस्वीरें मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से सड़कें जो है इस वक्त लोग हैं, लेकिन पहले की तरह रौनक नहीं है। कहीं ना कहीं भारत बंद का असर सड़कों पर दिख रहा है। कई दुकानें यहाँ हैं जो इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं और कई दुकानें खुली भी हुई हैं। कई लोग इस बंद का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं दर्शकों को बता दूँ कि इस बंद को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। ये हड़ताल श्रमिकों, किसानों और लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के विरोध में की जा रही है। इसके साथ ही दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के 5 में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यह पहली ऐसी हड़ताल है जिसमें सरकारी नीतियों का विरोध किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई दुकानें खुली हैं, लेकिन इसके साथ ही कई दुकानें बंद भी हैं। कई लोग इस बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं तो कई लोग इस बंद को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बंद का असर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी दिखने लगा है। बता दें कि HEC में काम करने जा रहे एक कर्मी पर हमला हुआ है। दरअसल HEC में कई ऐसे कर्मी थे जो इस बंद को अपना समर्थन दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे कर्मी थे जो काम करने जा रहे थे। इस दौरान बंद को समर्थन करने वाले कर्मियों ने कर्मी पर हमला कर दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कर्मी का आपको बयान सुनाऊंगी कि आखिर HEC में हुआ क्या। सर, हम लोग ड्यूटी जा रहे थे, ड्यूटी के क्रम में रोका गया। 3-4 आदमी पहले से पीछे से लाठी मारा। ये भवन सिंह का आदमी था और लालदेव का, और ये क्या नाम है, हरेंद्र यादव। गाली गलौज करके 3-4 लाठी मारा है। यहाँ मारा ही हरेंद्र और भवन सिंह पकड़ लिया था। हरेंद्र पीट रहा है, 3-4 जगह मारा है। हम लोग बोले भी ठीक है, हड़ताल होता है, इसमें मारपीट क्या कर रहे हो, हम निकल जाएंगे। फिर भी गाली गलौज करने लगा हरेंद्र और मार बैठा। हरेंद्र मारा है 4-5 बार। उसके साथ में रामचंद्रन था, ये लालदेव सिंह था, और ये KP साहू वगैरह सब खड़ा होकर देख रहा था। तो आपने यहाँ उन कर्मचारियों को सुना जिन्होंने इस पूरी घटना से आपको रूबरू करवाया, लेकिन इसके साथ ही इस वक्त राजधानी रांची में कई लोग ऐसे मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी ओर से इस बंद को अपना समर्थन दिया जा रहा है। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है ट्रेड यूनियन की ओर से, क्या इस बंद को आप लोग समर्थन दे रहे हैं? वजह क्या है? शायद मुद्दा रखा गया है केंद्र सरकार की नीतियाँ, महंगाई होगी या ऐसे कुछ मुद्दे होंगे, तो ये नेचुरल है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है जिसके लिए बंद रखा जाए या सपोर्ट किया जाए। आज जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पहले हमें एक गांठ मंगाने में जो 50 किलो का गांठ होता था सूरत से, तकरीबन वो ट्रांसपोर्ट का आता था 650 रुपया। अभी मेरा माल आने में एक 50 किलो का गांठ का 920 लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कम लग रहा है। अभी आधी का रेट $115 को पार कर रहा है क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में, तो नेचुरली थोड़ा तो दाम बढ़ना है। और हर देश, हर लोग इस चीज से, कई देश भर में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि ट्रेड यूनियन जो कर्मी है वो सड़कों पर उतर के दुकानों को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अगर आपके पास लोग आते हैं तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? देखिए, हम विरोध नहीं करेंगे, हम साधारण व्यापारी हैं। अगर कुछ जबरदस्ती की जाएगी तो शांति से बंद कर देंगे। अगर कोई जबरदस्ती, व्यापारी कभी लड़ता नहीं है, अगर जबरदस्ती की जाएगी तो हम बंद कर देंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए सरकार कहीं ना कहीं जवाबदेह होगा। अगर हम अपना व्यापार नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे? चलिए, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर आप इस बंद को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो कई ऐसे दुकानदार हैं इस बंद को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ कई दुकानें खुली हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन के आह्वान पर इस बंद का ऐलान तो किया गया है, इस बंद को बैंक कर्मियों की ओर से भी समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस बंद का अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इन 2 दिनों के बंद का क्या असर पड़ता है देश भर में, अर्थव्यवस्था में क्या कुछ गिरावट आती है, और दुकानदारों पर और बेसिकली आम लोगों की अगर हम बात करें तो उन पर इस बंद का क्या असर देखने को मिलता है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। आप देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।